नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे पिछले हफ्ता किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट के लिए रहा, किस तरीके से मेजर इंडेक्सेस ने मूवमेंट दिखाई। हम अगर देखें, इवेल्यूएट करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहा। हमने देखा जहां पर डाउ जोन्स ने करीबन 2.59 के गेंस देखे और करीबन 28,653 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम कैक को देखें तो कैक में भी हमने बढ़त बनते हुए देखी और करीबन 2.18% की क्लोजिंग हमने कैक में बनते हुए देखी। वहीं अगर डेक्स की तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमने करीबन 2.10% की तेज़ी बनते हुए देखी। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंडेक्सेस की बात करें तो हमने देखा कि सेंसेक्स करीबन 2.69% की तेज़ी के साथ 39,467 के लेवल पर बंद होते हुए दिखाई दिया। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमने उच्चतम स्तर बनते हुए देखे और करीबन 2.62% की तेज़ी के साथ निफ्टी भी करीबन 11,675 के स्तर पर बंद होती हुई दिखाई दी। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 10.13% के गेंस के साथ बैंक निफ्टी करीबन 24,539 के स्तर पर बंद होती हुई दिखाई दी। तो हमने देखा कि जितने भी इंडेक्सेस थे सभी के अंदर यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम गेंस यहाँ पर बनते हुए देखे। वहीं अगर हम भारतीय रुपया की बात करें तो भारतीय रुपया में हमने करीबन 2.14% के गेंस एप्रिसिएशन आते हुए देखा और रुपया करीबन 73.28% के लेवल पर बंद होते हुए दिखाई दिया। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सभी इंडेक्सेस में हमने शानदार बढ़त बनते हुए देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इकोनॉमीज को पैकेज देखने को मिले और हमने देखा कि पिछले हफ्ते में US और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसमें कुछ हमने कूलनेस आती हुई देखी, जिसकी वजह से सभी इंडेक्सेस में एक तेज़ी बनते हुए देखी। हालांकि अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने करीबन 0.76% की गिरावट बनते हुए देखी और डॉलर इंडेक्स अगेन एक निचले स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई दिया। तो हमने ओवरऑल देखा कि करेंसी फ्रंट पर और इंडेक्स फ्रंट पर सभी के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो इससे इंडिकेट होता है कि जो वर्ल्ड मार्केट है, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट है, वो अब दोबारा से अपने उच्चतम स्तर पर आती हुई दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिविटी का साइन है। इसके विपरीत अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए देखी। हमने देखा गोल्ड के अंदर करीबन 1.09% के लोअर्स पे मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया, करीबन 51,448 के स्तर पर गोल्ड बंद होता हुआ देखा गया। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में हमने करीबन 1.16% की गिरावट देखी और सिल्वर करीबन 68,837 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिया। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने गोल्ड में गिरावट बनते हुए देखी, करीबन 1964 के स्तर पर गोल्ड को आते हुए देखा और सिल्वर करीबन 27.49 के स्तर पर सिल्वर में लेवल्स बनते हुए देखे। रिसेंटली हमने कुछ दिनों पहले देखा था गोल्ड में करीबन 2075 तक के हाईएस्ट लेवल बनते हुए देखे थे, वहाँ से हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी। और सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी हमने करीबन 29.84 के लेवल सिल्वर में हाईएस्ट लेवल बनते हुए देखे थे, उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं देखे तो जिस तरीके से वर्ल्ड मार्केट में एक तेज़ी का इंडिकेशन बना है, वहीं हमने गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन आते हुए देखा, क्योंकि जो सेफ हेवन की डिमांड थी वो यहाँ पर फेड आउट होती हुई देखी गई। तो अगले हफ्ते के लिए भी हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड के लिए अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो करीबन 49,000 के स्तर पर गोल्ड में एक सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 54,200 पे रहेगा। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करीबन 62,100 का सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 75,300 पर रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि कुछ गिरावट सिल्वर में यहाँ देखने को मिल सकती है। गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर ही एक डाउनसाइड इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने मिला जुला रुख बनते हुए देखा, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक और वर्ल्ड ग्लोबल इंडाइसिस पॉजिटिव मार्केट में ट्रेंड में बंद होते हुए दिखाई दिए, तो हमने देखा कि जो बेस मेटल है, क्योंकि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म किया तो बेस मेटल की डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। तो हमने देखा कि कॉपर की मार्केट भी करीबन 1.15% के गेंस के साथ बंद होती हुई करीबन 521.50 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने करीबन 0.33% के गेंस बनते हुए देखे और जिंक करीबन 194.80 के स्तर पर बंद होता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल के अंदर भी हमने एक पॉजिटिविटी आते हुए देखी और निकल करीबन 1.32% के गेंस के साथ 1131.10 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो वर्ल्ड इकोनॉमी मार्केट में, वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में जो हमने बढ़त देखी, इक्विटी मार्केट में जो बढ़त हमने देखी, उसकी वजह से सभी बेस मेटल की में भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा। मेटल शेयरों में हमने तेज़ी देखी, जिससे मेटल कमोडिटी के अंदर भी हमने यहाँ पर तेज़ी बनते हुए देखी है।
जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट पॉजिटिव मार्केट में क्लोज हुई है, हमें लगता है कि आने वाले समय में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है और उससे बेस मेटल को भी एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। नाउ अगर हम अब क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर क्रूड में हमने एक मिला जुला रुख देखा। हालांकि क्रूड में जिस तरीके से US के अंदर स्टॉर्म्स देखने को मिले हैं उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। तो हमने जो क्रूड की क्लोजिंग देखी वो फ्लैट नोट पे रही, करीबन 0.19% की गिरावट के साथ क्रूड 3149 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नेचुरल गैस 2.6% के गेंस के साथ 193.30 रुपये के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्रूड ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस मींस पूरे एनर्जी पैक में एक मिक्स सा ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में क्रूड की डिमांड बढ़ सकती है और स्ट्रॉम की वजह से कुछ यूनिट्स यहाँ पर बंद हुई हैं तो क्रूड की सप्लाई यहाँ पर हट हो सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में क्रूड की जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 2980 का रहेगा और करीबन $43 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो सकता है। वहीं अगर हम रेसेंस की बात करें तो क्रूड में करीबन रेजिस्टेंस 3350 का रहेगा और ऊपर में इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $48 तक का रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल सकता है और सपोर्ट करीबन यहाँ पर $40 का सपोर्ट क्रूड में रह सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्रूड के अंदर जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड है। हालांकि क्रूड के अंदर जो जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए देखा है तो उसकी वजह से हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आने वाले समय बन सकती है। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। आगे एक्सपेक्टेशन है कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ सकती है जिससे नेचुरल गैस के भावों में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो नेचुरल गैस के लिए जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 177 का रहेगा, रेजिस्टेंस 206 का रहेगा। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में नेचुरल गैस में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी में हमने एप्रिसिएशन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि करेंसी के भावों में आने वाले दिनों में कुछ और एप्रिसिएशन हो सकता है। करेंसी के लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम देखें तो USDNR के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट करीबन 72.60 का रहेगा और रेजिस्टेंस 74.40 का हो सकता है। हमें लगता है कि करेंसी के अंदर भी रुपी एप्रिशिएट हो सकता है और रुपी में एप्रिसिएशन अगले हफ्ते के लिए भी देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच।